क्लास थर्ड। अब आप अपने साइंस के लेसन सिक्स का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया कि जो वो जल का वाष्प में बदलकर वायुमंडल में जाना, बादल बनने के बाद वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आना, ये जल चक्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, वायु हमारे चारों ओर वायु है, यानी हवा है। वायु के अभाव में हम जीवित नहीं रह सकते, यानी हवा के बिना हम जी नहीं सकते। वायु एक मिश्रण है, वायु में जो है धूल, जलवाष्प, अनेक गैसों, धुआं आदि का मिश्रण है। शुद्ध वायु में विभिन्न गैसों और एवं जलवाष्प का निश्चित अनुपात पाया जाता है। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन, ऑर्गन आदि गैसें पाई जाती हैं। ये आपसे बच्चों पूछा जा सकता है कि वायु में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा। वायु की गति, वायु सदैव एक समान गति में नहीं चलती, यानी हवा एक जैसा नहीं चलती है, कभी तेज होती है और कभी धीमी होती है। देखिए, ये आंधी ऐसी आ रही है और ये उड़ जा रही है। अब देखिए, हवा को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि जब हम छत पर जाते हैं तो कपड़े सूख रहे होते हैं तो वो उड़ते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। जब गर्मी से हम पंखों की हवा ठंडक देती है तो हमें लगता है कि हवा चल रही है। ठीक है, हवा के कारण ही वर्षा होती है और वायु ही बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। किंतु जब तेज वायु चलती है तो इसे फसलों, मकानों आदि को नुकसान पहुंचाता है, और जब तेज हवा चलती है इसे हम आंधी या तूफान कहते हैं। ओके, अब देखिए, इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें आपको याद करनी है इस लेसन में। पहला, सभी जंतुओं को जीने के लिए वायु अत्यंत आवश्यक है, यानी हवा बहुत जरूरी है। और वायु जो जल है वो रंगीन, गंधहीन, स्वाधीन, पारदर्शी है। जल की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु हमेशा एक समान नहीं चलती, एक गति से नहीं चलती है। हवा को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको इसकी एक्सरसाइज लेसन सिक्स करनी है। पहला है, जल का बर्फ में बदलना हिमकरण कहलाता है। वाष्प का जल में परिवर्तन संघनन कहलाता है। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर जलवाष्प में बदलता है। वायु के अभाव में हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है बच्चों, सही गलत में देखिए, जल प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त एक अनमोल उपहार है, ये सही है। ठीक, फिर कह रहा है पृथ्वी के 80% भाग पर जल है, गलत है, क्योंकि 70% पर जल है। जल का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जल में चक्र केवल वर्षा के दिनों में होता है, गलत, जल चक्र हमेशा चलता रहता है। मैचिंग देखिए, मिश्रण है कौन, वायु। ऑर्गन क्या है, गैस है। वाष्पीकरण क्या है, जल का वाष्प में बदलना। और संघनन क्या है, वाष्प का जल में बदलना। ओके बच्चे, आपको ये लेसन सिक्स अच्छा लगा, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, आप अगले एग्जाम में आएगा।